नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खास चीज़, कोयला। कोयला पूरी दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और कोयला दो प्रकार का होता है, एक तो जो ज़मीन से निकलता है प्राकृतिक कोयला जिसको बोलते हैं, और एक होता है लकड़ी से बनाया गया कोयला। ये है वो कोयला जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया था, इसी पे आज हम एक बार फिर से ये चर्चा लेकर के आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक कोयला जो लकड़ी से तैयार होता है, इसकी एक खास विधि होती है, और उसी विधि के अंतर्गत जो है ये बनाया जाता है। ये बोरियों में इस समय भरा हुआ है और ये प्रेस करने में भी काम आता है, और विवाह शादियों में जो खाना बनाया जाता है उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, और कोयला से दंत व्यंजन भी बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इससे जो है बनाई जाती हैं। ये है कुपनुमा, इसका क्या कहते हैं ये, इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनकी ये जगह हैं और ये फैक्ट्री है जहाँ कोयला बनाया जाता है, इस कोयले के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और इन भट्टियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। इनके अंदर कोयले को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। इनके जो लकड़ियां होती है, ताज़ा लकड़ियां, जैसे ये है लकड़ियां, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में या पूरा उसके अंदर भट्टी के अंदर इनको लगाया जाता है, और फिर आग लगा दी जाती है, और फिर धीरे धीरे जो है उस आग को इस तरह से लगाया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन हल्की हल्की पहुँच जाए ताकि पूरी धधक न जाए आग, और धीरे धीरे जो है धुएं में धुआं जो है वो जलता रहे, उठता रहे उसमें, और वो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा उस गर्मी से, तापमान से, लेकिन पूरी तरह से आग जो है वो नहीं जल पाएगी। तो आइए जानते हैं इसके, अभी हमें नहीं पता है, उनको हमने बुलाया है तो वो आ रहे हैं और इसके बारे में जो बताएंगे। ये भट्टियाँ हैं, अलग अलग भट्टियाँ हैं, और काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है इसकी, काफ़ी लंबा समय लगता है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुनील। थोड़ा ऊंचे आवाज़ में बात करनी पड़े। सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? हमें तो ये 2 साल ही हुए हैं यहाँ पर अभी। अच्छा, पहले ही भट्टी चली थी हमारी 2-3 साल, फिर हमने बीच में बंद कर दी लकड़ी के कारण। अच्छा अच्छा, लकड़ी की कमी आ गई थी। हाँ जी। तो लकड़ियाँ तो बहुत काटी जाती है, लोग बहुत बेचने के लिए भी आते हैं, फिर कमी कैसे आ गई लकड़ियों की? हम तो यहाँ पर रहते नहीं थे, लोग ही रहते थे, तो इसलिए चल नहीं पाया हमारा काम। अच्छा, ये जो भट्टियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं? हाँ जी, इसको भट्टी बोलते हैं। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझाएंगे, कैसे ये बनाई जाती है, क्या इसको बोलते हैं? इसको भट्टी बोलते हैं। ओके। और इसको बनाने के लिए लोग बाहर से आते हैं। अच्छा, लोग इनको 1500 रुपये, 2000 रुपये इस तरह लेते हैं भट्टी बनाने का, एक भट्टी बनाने का। तो 30 क्विंटल लकड़ी अंदर जाती है इसके। 30 क्विंटल लकड़ी इसके अंदर डाल दी जाती है। अच्छा, और 5 क्विंटल कोयला बाहर आता है इसके अंदर से, और लकड़ियाँ 30 क्विंटल डाली जाती है और 5 क्विंटल जो कोयला है वो बाहर निकल कर के आएगा। तो थोड़ा इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएं भी, कैसे इसको डाला जाता है, कैसे इसको आग लगाई जाती है, पूरी बताएं आप। मतलब ये आग ना, जैसे अब ये भर दिया, ये जैसे भर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आग देनी पड़ती है। गेट है, गेट खोलते हैं इससे, इधर से भी। अच्छा, इधर से आग, यहाँ से आग देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ से आग लगानी पड़ती है। तो इसमें क्या पेट्रोल वगैरह डालते हैं, क्या डालते हैं? नहीं नहीं, बस ही बस लगती है इसमें। तो लकड़ियों के साथ कुछ तो ऐसा होता होगा जो मतलब आग को पकड़ता हो। आग दिखाइयो, लकड़ी की तरह उसके अंदर से निकलता हूँ, उसमें आग 2 अंगारे गैस देते हैं, उसके बाद निकल जाता है। अच्छा, ये फिर अपने आप यहाँ से पकड़ लेता है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये गिल्ली है, अभी बंद करा नहीं तो। अच्छा, अभी आग दिया इसमें, इससे। अच्छा, इसके ऊपर 2 अंगारे गैस, तो बस इससे आग पकड़ लेती है। ये भी पेट्रोल की तरह ही बनता है, पेट्रोल की तरह ही बनता है। अच्छा, ये किसी चीज में कोई केमिकल होता है या कैसे? ऊपर 2 अंगारे भी रख दिया ना, हवा लगती है तभी आग लगती इस तरह। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप अंदर जलता जाएगा? ये कोयला, कोयले की तरह जलता है ये भी। तो अंदर अंदर ये आग लगती है या ये धुआं सा कैसे दिखाई दे रहा है? आग नहीं लगती, आग नहीं लगती, रूम में लगानी पड़ती है। अच्छा, जैसे 5 किलो लकड़ी जला दिया इसके अंदर। ओके, उसके बाद बंद कर दो, आग सिलक सिलक के
अच्छा धुआं धुआं ही होता है लगभग इसमें, ये समझो पूरी आग धधकती नहीं है ना? हाँ पूरी नहीं आग बनती है। हाँ हाँ पूरा राम राम से बनता है कोला, ये सात आठ दिन में कोला तैयार हो जाएगा इसमें। सात आठ दिन लग जाते हैं? सात आठ दिन में। ठीक अच्छा, तो ये धुआं उठता है, प्रदूषण नहीं होता इससे? ना इससे, इसमें धुआं थोड़ा ही होता ना इसमें। अच्छा बड़ा मोटा अब पकड़े हैं यहाँ पे धुआं पता नहीं चलता। अब तो अब इसमें आग दी है ना इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मर रही है। अच्छा जो एक जमीन से कोयला निकलता है हाँ जी, उसके मुकाबले इसकी डिमांड कितनी है इसकी? हाँ जी इस डिमांड जी इसकी सही है जी। अच्छा हाँ गर्मी में कम हो जाती है इसकी। अच्छा हाँ। तो ये किस किस काम में आता है ये कोयला? एक तो हुक्के में चलता है ज्यादा। ओके होटलों में चलता जी। अच्छा जी होटलों में जैसे फैक्ट्री होगी। हाँ जी हाँ जी फैक्ट्री में चलता वो जी। ओके नहीं हुक्के वाले अभी भी खरीदते हैं इसको? हाँ जी। अच्छा ठीक है बस इसी को जो यहाँ से खोल देंगे तो तेज हो जाएगी। अच्छा बंद करेंगे हाँ हाँ कोली चलेगी ऑक्सीजन अंदर खींचेगी। ठीक है हवा से बनेगा कोला इसका? हवा से? हाँ जी हवा इसके अंदर से जाती होगी। हाँ जितनी हवा जाएगी ना इसको उतनी जल्दी कोला बनेगा। ओके हाँ जी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया एक और है इसकी कि ये देखिए छोटे छोटे सुराख यहाँ पर बने हुए हैं। इन सुराखों में क्या रहता है कि आर पार हैं ये दीवार के इस साइड में भी सुराख हैं, एक ये देखिए ये भी सुराख है और यहाँ पर भी सुराख हैं। इनको खोल दिया जाता है ताकि हवा जो है अंदर जाए, ऑक्सीजन अंदर जाए और धीरे धीरे एक हुमस बन करके और ये पूरा अंदर लकड़ी को जो है धीरे धीरे सुलगाती रहती है और एकदम लकड़ियाँ नहीं जलती हैं, ये धुआँ जो है गर्म करता रहता है उन लकड़ियों को और ये कोयले बनने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अच्छा जो आपका नाम क्या है जी? देवराज जी। देवराज देवराज जी ये लकड़ियाँ फिर आप कहाँ से लेते हैं? ये तो मंडी से खरीदते हैं। मंडी से? हाँ जी बोली से। हाँ जी तो कितना खर्चा इन लकड़ियों में पड़ता है और कोयला कितने रुपए का कोयला, यानी आप बता रहे थे कि 30 क्विंटल लकड़ी इसमें डाली जाती है? हाँ जी 30 क्विंटल लकड़ी आपकी कितने की पड़ जाएगी? 30 क्विंटल बैठ जाएगी जी 12,000 की। 12,000 की और कोयला कितने का निकल जाएगा? निकलेगा जी 13-13.5 जाएगा। तो फिर इसमें तो बचा तो कुछ भी नहीं है आपका? हाँ जी बस जो ये मजदूरी के साथ 1,000 बचा। हाँ जी तो इतने में आपकी दिहाड़ी कैसे निकलेगी और कैसे फैक्ट्री का जो मालिक है वो इसको उसका खर्चा निकालेगा? वो 200,000 से मनमुनवाई का अलग है ना वो भी। हाँ जी 200 रुपया क्विंटल का है। अच्छा 200 रुपये क्विंटल लेते हैं मनमुनवाई का आप लोग? हाँ अच्छा ठीक है। नहीं लकड़ी आपको मेरे ख्याल में तो महंगी पड़ रही है लकड़ी। महंगी जी पड़ रही है इस टाइम 350 रुपये लकड़ी की। अच्छा जी हाँ जी ठीक है। इसमें पत्ते भी भर सकते हैं? ओके और खड़ी भी भर दो इसके अंदर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं कोला तो ऐसे ही बनेगा। अच्छा हाँ जी तो ये अंदर से देखते हैं दोस्तों ये भट्टी है पूरा ऊपर से देखिए कि कैसे काला हुआ है और ये आपको दिखाते हैं इसके अंदर का जो हिस्सा है। हालांकि कैमरा अंदर थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा लकड़ियाँ पूरी साबुत लकड़ियाँ जो है वो इसके अंदर इन्होंने जचा रखी है ये देखिए। और ये इसका मेन दरवाज़ा है और यहाँ से जो है कोई भी व्यक्ति अंदर जा करके लकड़ियों को इकट्ठा खड़ा करके उसमें जो है जचाएगा उसमें सेट बैठाएगा और फिर जो आग लगाने की प्रक्रिया है वो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से शुरू हुई है। ये देखिए यहाँ से इसके अंदर से आग लगाई जाएगी तो कोयले की जो दो छड़ हैं वो इसमें रखी जाएगी और उस पर सुलगता हुआ कोयला जो है रख दिया जाएगा तो वो पूरी की पूरी छड़ जो है वो अंदर चली जाएगी और क्योंकि वो उसके अंदर भी एक ऑयल की तरह होता है कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन आपको पता है कि कितना जल्दी सुलगता है और ये कोयला जो है जल करके और फिर जो है अंदर आग लगा देता है और उसके बाद कोयला बनने की जो है प्रक्रिया बस शुरू हो जाती है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए धुआं तो निकल रहा है और जो सुराख आपको दिखाया था और ये देखिए जो कोयला बन करके तैयार हो जाता है वो यहाँ गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर ये यहाँ से जो है अलग अलग जगह पर
जैसे रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबे हैं, वहाँ पर ये पहुँचेगा। और हरियाणा में खासकर हुक्के वाले जो हैं, वो पहले तो ऐसा रहता था कि लकड़ियों से खुद ही कोयला बनाते थे, लेकिन अब ज़माना थोड़ा तेज हो गया है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं रहता, इसकी वजह से जो बना बनाया कोयला है वो लोग खरीदने लगे हैं। तो आइए जानते हैं ये थोड़ा इसके ये कहाँ जा रहा है। ये हमारा बाजार में है, सिरसा मार्केट। अच्छा, कोयले की डिमांड कहाँ कहाँ तक रहती है आपकी? इसकी डिमांड तो बहुत है, पर हम मार्केट में बेचते हैं इसको, सिरसा से। केवल सिरसा में बेचते हैं। तो ये कितने रुपए किलोग्राम तक चला जाता है आपका? ये हमारा तक तो 27 रुपये जा रहा है। 27 रुपये किलोग्राम, किलो के हिसाब से? ठीक है। तो सिरसा में कौन, कोई एक कोई ठेकेदार होता है या कैसे बेचने का, तो क्या है मार्केट है इसके? परचून में बेचते हैं कुछ लोग, तो कुछ खरीद के जिस तरह दिल्ली पहुँचा देते हैं, दिल्ली इस तरह फैक्ट्री फैक्ट्री में ज़्यादातर दिल्ली जाता है सारा कोयला। सारा कोयला जाएगा। ये इस तरह की फैक्ट्री यहाँ सिरसा में और भी हैं इस तरह की, ये कोयला बनाने की? है, बहुत है फैक्ट्री यहाँ पर सिरसा में, अच्छे भी है। ओके, हाँ, जो ये इसी रोड के ऊपर आगे आती है, ठीक है। दो तीन भट्टियाँ यहाँ पर। तो आप लोगों के पास कितनी भट्टियाँ हैं यहाँ पे? सात। सात भट्टियाँ हैं। तो इन सात भट्टियों से आप लोग 7-8 दिन में अगर एक भट्टी का हिसाब लगाया जाए, टोटल किया जाए, तो 7,000 रुपये आप एक हफ्ते का निकाल लेते हो इसमें से। और इस तरह हम भट्टी भरते हैं, एक दिन में भट्टी छुट्टी रहती है, एक दिन में भरते रहते हैं उसको। अच्छा, रोज एक भट्टी छुट्टी रहती है? रोज एक भट्टी निकल जाती है, ठीक है। यानी 1,000 रुपये रोज के हो गए। चल, अलग अलग कोयला जो निकलता है उसमें क्वालिटी किस हिसाब से आप बनाते हैं, जैसे अलग अलग उसको डिवाइड कैसे करते हैं? इसमें 3-4 तरीके की होती है इसके अंदर, अलग अलग। ये एक तो होता है मोटा कोयला। अच्छा जी, ये कौन सा है? फैक्ट्री में जाता है जी। हाँ हाँ, ये मोटा कोयला इस तरह। दिखाओगे थोड़ा? चलो देखते हैं दोस्तों अभी कैसे इसको। अच्छा, इसमें रोल है। ये देखिए दोस्तों, कोयले का जो असली कोयला है, ये देखिए इस तरह से सूखा रोल है पूरा। ये आग जल्दी पकड़ता है? हाँ जी। ये देखिए पूरे के पूरे जो पेड़ हैं और उसकी टहनियाँ हैं वो पूरी कोयले में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इसको कोई तोड़ा नहीं गया है और ये पूरी की पूरी जो है कोयले की डिमांड है, दिल्ली तक है। और ये सारा दिल्ली जाएगा आपका? पहले सिरसा जाएगा और वहाँ से दिल्ली? नहीं, अपना सस्ते भी बेचता है। सिरसा परचून में सस्ता भी हो जाता है। अच्छा, सिरसा से दिल्ली भी बेचते हैं वो लोग? वो आगे बेचते हैं, पता नहीं उनका बाबूजी आगे। अच्छा, ये टूट भी जाता है? हाँ जी, टूट भी जाता है। और फिर वो कहाँ बिकता है कचरा? वो हुक्के वाले ले जाते हैं, ठीक है। और वैसे ये क्या क्या चीज में काम आता है? शादी में आता जी। हाँ हाँ, पैलेसों में हो गया। हमने सुना है इसका कोयले का दंत मंजन वगैरह भी बनाया जाता है। हाँ जी। और भी कामों में आता है ये जी? बहुत फैक्ट्री में, सारी फैक्ट्री में काम आता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो कार्बन की मात्रा है और वाटर होल्डिंग का बहुत अच्छा इस ये एक प्रकार से बेस है। वाटर होल्डिंग के लिए ज़्यादातर जहाँ अर्थिंग वगैरह की जाती है, अर्थ यानी जो ज़मीन के अंदर कॉपर की तार डाल के अर्थ किया जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग भी होता है। और दंत मंजन वगैरह बनाए जाते हैं और ज़मीन के अंदर भी इसको डाला जाता है। और ज़मीन के अंदर जहाँ तक हमारा अनुमान है, कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए शायद इसका प्रयोग होता है। ये दोस्तों हुक्के वाला कोयला है, इसका प्रयोग हुक्का जो है हरियाणा का मशहूर है, जहाँ लोग चाय और हुक्के का कश लगाते हुए आपको नज़र आएंगे, उसमें ये प्रयोग होता है। यहाँ पर इकट्ठी हुई है पपड़ी। ये जो पेड़ होता है उसका जो, जिसको हम स्थानीय भाषा में छोड़ा बोल देते हैं, छिलका जिसको कहते हैं, वो पेड़ का छिलका होता है, वो यहाँ पर जो है अलग हो जाता है अपने आप जलने के बाद में, क्योंकि वो सख्त होता है और तिड़ जाता है उसके बाद में। ये पपड़ी, इस पपड़ी को कहाँ यूज़ करते हैं?
लोहार देखे जाते हैं। अच्छा लोहार, हाँ दोस्तों लोहारों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लोहार जो लकड़ी का काम करने वाला जो है वो अलग होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला अलग होता है, लोहे का काम करने वाला लोहार होता है। और लोहार इसमें इसको आग जलाते हैं और उस आग पर लोहे को तपा करके उसको किसी सांचे में ढालते हैं, तो उसमें इसको लोहे को तपाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे, और आपको अगर कोयले की ज़रूरत है कहीं पर भी पूरे देश भर में, तो और ख़ासकर जो सिरसा के आसपास के लोग हैं उनको अगर चाहिए कोयला या कोयले से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पे मैं इनका नंबर देता हूँ आपको, आप अपना नंबर बोल दीजिए। 8956 21744 ये कौन होंगे यहाँ पे? हाँ जी, कौन होंगे इस पे? इस पे सुनील कुमार है। ओके ठीक है जी, कोयला लेने के लिए। क्या नाम है आपका? नाम राजगंज है। अच्छा राजगंज जी, इस कोयले का आप क्या करेंगे? कब पीते हैं उसमें जिले में डालने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे शायद, कोयले का ब्याह शादियों में और कहाँ कहाँ कोयले का प्रयोग होता है? ब्याह शादियों में खाना बनाते हैं उस टाइम ये प्रयोग होता है। अच्छा जी, बाकी उसके में प्रयोग होता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जो जमीन से निकलने वाला कोयला होता है जो बड़े डलों में आता है, उसके मुकाबले ये जल्दी जलता है या कैसे, बढ़िया होता है? ये हुक्के में और खाने में वो कोयला नहीं चलता जो जमीन से निकलता है। हाँ जी हाँ जी, इसमें तो यही चलता है। अच्छा इसके खाने में टेस्ट होता है या आँच ज्यादा होता है, कैसे? ज्यादा होता है इसमें, तम्बाकू जल्दी सर्कल हो जाता है। ओके, लंबे टाइम तक आँच रहता है इसमें। पहले तो पुराने टाइम में तो ये होता था कि खुद ही चिलम जलाने के लिए जो है आग जलाया करते थे, और अब टाइम सरल करने के लिए शायद कोयला लेकर के जाते हैं ना। यही बात है, सुविधाजनक हो गया, ये सुविधा हो जाती है। हाँ ठीक है जी, शुक्रिया।